हे गाइज, कैसे आप लोग? तो यार मैं हूँ आपका शुभम एंड स्वागत है आप लोगों को और एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं एस्केप फ्रॉम 70th सेंचुरी। बेसिकली गाइज ये वाला गेम है ना, हम 70th सेंचुरी में बंदे और उधर से मेरे को एस्केप करके अपना सेंचुरी में आना है। बट यार ये एस्केप का खेलना इतना ज्यादा इजी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे को बहुत सारा पजल को सॉल्व करके टाइम मशीन को ढूंढना है, उसके बाद ही हम अपना दुनिया में आ सकते हैं। तो चलिए गाइज लेट्स गो। फिलहाल गाइज इधर अपने को एक लेटर दिया गया है। आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट वर्क्स, बट इट विल बी डेंजरस। टाइम ट्रेवल इज नॉट ए टॉय। द होल टाउन डिसअपीयर इनटू नो वन नो व्हेयर एंड वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेयर He is a beacon receiver. Did you make up your mind? Then remember the main thing. In order to get back, you need to find a beacon receiver. Good luck. Tap the screen to continue. ठीक है, चलिए हम टैप करते हैं। और इधर टैप करते ही अपने को कुछ तो, ओ भाई ये क्या? This icon means that you can interact with an object. After clicking on this icon, the interaction will end. इसका मतलब क्या है मेरे को यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए हम फिर से टैप करते हैं। और गाइज अभी हम ना 70th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। ये वाला डोर शायद यार लॉक है। हाँ भाई ये डोर तो खुल नहीं रहा है। इस साइड अपने को एक यार रूम दिखा है। तो गाइज ये क्या रूम है? मेरे को लग रहा है किचन होगा। और सामने की तरफ मेरे को और एक रूम दिखा है। तो चलिए इसके अंदर चलते। ओ भाई ये क्या था? ओ शायद गाइज ये टेलीफोन अभी रिंग हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है? वी मेड इट, इट वर्कड एंड वी हैव ए कनेक्शन ऑन दिस फोन। नाउ लेट्स गो बैक लुक फॉर ए रिसीवर बीकॉन दैट कैन बिंग यू बैक टू आवर टाइम। सो आई कंटिन्यू टू लुक फॉर एनी क्लूज इन हिज डायरी व्हाइल यू लुकिंग अराउंड केयरफुली एंड फाइंड एनी क्लू वेट फॉर द कॉल आई विल बी क्विक। ठीक है गाइज मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया। मेरे को एक सबसे पहले ना बीकॉन रिसीवर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार जो बीकॉन रिसीवर है ना उससे ही हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये क्या है? आई पिक्ड अप ए फिल्म फॉर द प्रोजेक्टर। ओके गाइज ये ना मेरे को जो मतलब पिछले जमाने में जो रील वगैरह होते हैं ना जिससे हम फोटो वगैरह को क्लिक करते हैं वही मेरे को लग रहा है। तो इसको अपने को प्रोजेक्टर में यूज करना पड़ेगा। ठीक है चलिए इस साइड में कुछ है क्या? ये ओ ये क्या है? चलिए इसको भी हम देख लेते हैं भाई। ओ भाई इधर कुछ तो मतलब पजल टाइप है जिसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है चलिए हम थोड़ा और ढूंढते हैं। ये ड्रॉयर वगैरह खुल रहा है क्या नीचे का? नहीं यार ये तो खुल नहीं रहा है। ओ भाई ये क्या है? टर्न ऑन। ये शायद यार रेडियो है जो कि अभी टर्न हो गए, बट मेरे को इतना खास इसका आवाज पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए नीचे देखते हैं इस साइड कुछ है क्या। ओके भाई साहब कुछ तो मिल जाए मेरे को अच्छा सा। इस साइड भी कुछ भी नहीं है भाई। बाकी गाइज मेरे को सामने पे एक ड्रॉयर दिखा है और गाइज इसके अंदर, अब ये क्या है इतना छोटा आइटम? आई नीड टू फाइंड द मिसिंग बटन। मेरे को गाइज ये वाला ना एक पजल जैसा ही लग रहा है। मेरे को सबसे पहले यार इसका एक मिसिंग बटन को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम ये पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो मिसिंग बटन को हम सीधा ढूंढने चलते हैं। भाई वो मिसिंग बटन अपने को कहाँ मिलेगा? ओ भाई ये भी यार सोचने वाली बात है। ये वाला तो भाई कमरा बंद है, मतलब मेरे को किचन में ही जाके ढूंढना पड़ेगा। सामने की तरफ यार मेरे को एक कैंडल दिख रहा है और पीछे की साइड ना बहुत सारे ड्रॉयर वगैरह भी है। बाकी यार मेरे को कैंडल के पास ना एक यार छोटा सा बॉक्स जैसा कुछ तो दिखा है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं अपने को क्या मिलता है। तो यार ये छोटा सा भाई ये क्या है? पता नहीं यार। आई पिक अप द बटन। ओ गाइज अपने को अभी बटन मिल गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये बटन को वो फजर के पास लेके चलता हूँ। उसके बाद हम जो छोटा सा बॉक्स देखे थे ना उसके अंदर भी अपने को क्या मिलता है वो भी देखेंगे। तो चलिए अभी हम जल्दी से इधर से बॉक्स को निकालते हैं। ठीक है मैंने फजर को लगा भी दिया है। अभी अपने को इसको शायद यार करेक्ट करके मैच करना पड़ेगा। ठीक है चलिए मैं थोड़ा देखता हूँ भाई इसका सिस्टम कैसा है। मेरे को इसका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ओके
है मेरे को गाइज बीच में लाना पड़ेगा। हाँ अभी ये ठीक है। ओके इधर नीचे, ओके इस साइड अभी सही है क्या? नहीं, मेरे को गाइज नीचे वाले को ऊपर लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको अपने को लेफ्ट साइड। और गाइज अपने को इधर से एक चाबी भी मिल चुका है। ये चाबी से ना शायद यार जो कमरा बंद था उसको हम खोल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं जल्दी से खोलता हूँ। और गाइज ये वाला रूम, अबे ये पार्टिकल वगैरह क्या है? ओ भाई अभी यार एक कॉल फिर से आया है, तो चलिए मैं चल के थोड़ा यार सुन लेता हूँ भाई क्या बोल रहा है। आई फाउंड इन्फॉर्मेशन दैट ही लाइक टू लीव सेक्रेट नोट राइटन। फिलहाल गाइज ये नोट को पढ़ने के बाद ना मेरे को एक चीज तो पता चल गया है, मेरे को अभी ढूंढना है एक ब्लैंक शीट पेपर जिसको अपने को हिट करने के बाद उधर ना अपने को कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यार ये ड्रॉयर के अंदर अपने को एक कॉइन मिला है, ठीक है यार इसको चले हम अपने पास रख लेते हैं। बाकी गई अपना इन्वेंटरी में अभी एक तो कॉइन है और एक तो भाई रील है, तो चले मैं बाकी के ड्रॉयर में भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ, उधर भी क्या पता अपने को कुछ अलग चीज मिल जाए। तो इस साइड ड्रॉयर में कुछ है क्या? नहीं यार इधर तो कुछ भी नहीं है, तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ। और गाइज इधर ना यार एक तो सिंबल आ रहा है, पता नहीं वो क्या है, बट इस साइड का ड्रॉयर को चलिए मैं सबसे पहले बंद करता हूँ। नीचे ड्रॉयर है क्या? नहीं यार नीचे तो कोई भी ड्रॉयर नहीं है। मेरा ठीक पीछे गाइज एक तो बॉक्स जैसा कुछ था मेरे को याद आ रहा है, इसके अंदर कुछ है क्या? ये क्या है? पोस्ट कार्ड, इसका काम क्या है भाई? मेरे को तो ये पोस्ट कार्ड का कोई काम ही नहीं लग रहा है। ठीक है देखेंगे भाई इसका बाद में, अगर कोई जरूरत होगा तो यूज करेंगे। इस साइड भी एक तो यार आई बटन आ रहा था, तो ये क्या है? आई बटन के ऊपर दबाने पे, ओ ठीक है ये क्या है? 942, भाई ये 942 क्या है? जो छोटा वाला गोल है उसके अंदर फोर, उसके बाद टू और नाइन। गाय ये नंबर ना कहीं पे तो मैं देखा हूं, कहाँ पे हो? याद आया भाई जो कॉर्नर में एक बुक था ना उसके अंदर मैं भाई बहुत सारा नंबर देखा था। शायद यार ये नंबर को मेरे को सीक्वेंस करके लगाना पड़ेगा, 429, नहीं तो 924। पहले हम 429 को लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को अंदर से बाहर की साइड लेना पड़ेगा। चलिए 42, उसके बाद इधर लगाते हैं 9, कहाँ गया ऊपर की साइड 9 9? हाँ दिख गया है 9। तो चलिए इसको मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ, अभी हो गया है 429, खुलना तो चाहिए। चलिए देखते हैं भाई, नहीं खुलेगा तो कोई नहीं फिर से हम दबाएंगे 924, बट ये खुल गया है। तो गाइज अभी अपने को मिल चुका है एक ठो पेपर, तो ये पेपर को ना मेरे को हीट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को भाई कैंडल तो मिल चुका है, सिर्फ मेरे को भाई कैंडल को जलाने का एक चीज ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं सीधा किचन चलता हूँ, ये डोर वगैरह तो अभी भी बंद है, शायद यार ये टास्क को जब मैं कंप्लीट करूंगा ये डोर खुल सकता है मेरे को लग रहा है। तो इस साइड में कुछ ड्रॉयर वगैरह है, इसके अंदर देखते हैं भाई इधर है क्या कुछ। ओ अपने को इधर कुछ तो मिला है, अबे खुल जा, बंद क्यों हो रहा है? ठीक है चलिए ये क्या है? मेरे को तो यार ये माचिस जैसा दिख रहा है, तो यार ओके अपने को अभी माचिस मिल गया है। ये वाला ड्रॉयर के अंदर कुछ मिल्क वगैरह है, इसमें भी कुछ कुछ सामान है। नीचे का ड्रॉयर में भी चले मैं चेक कर देता हूँ, उसके बाद हम जलाएंगे कैंडल को, ठीक है। नीचे की साइड इसको चले मैं बंद करता हूँ। ये ड्रॉयर में कुछ है क्या? खुल जा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बीच में कुछ है क्या? नहीं यार इसमें भी कुछ नहीं है। और इधर अपने को कुछ तो मिला, ये क्या है? पोस्ट कार्ड, पता नहीं यार मेरे को भाई तब से दो ठो नहीं तीन ठो शायद मेरे को पोस्ट कार्ड मिला है, इसका कोई ना कोई तो यार काम होना ही चाहिए। तो चलिए अभी मैं सीधा यार ये माचिस से कैंडल को जलाता हूँ, उसके बाद हम ये पेपर को हिट करेंगे और देखेंगे ये पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके आई गूज इट इज इन द एटिक, ये ना यार मेरे को किसी तरह का तो भाई मैप जैसा लग रहा है, पता नहीं भाई ये क्या है, मेरे को ये रूम से बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा ये क्या है। बाकी गाइज चले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अभी अपना इन्वेंटरी में क्या क्या चीजें हो चुका है। तो चलिए अभी हम सीधा अपना बैकपैक को खोलते हैं, अभी अपने पास कॉइन है, उसके बाद पोस्ट कार्ड,
और गाइज एक तो अपने पास मैप भी है। अभी तो मेरे पास सिर्फ दो ठो ही पोस्ट कार्ड है और मेरे को अभी ढूंढना पड़ेगा 6 पोस्ट कार्ड। टोटल अपने को चाहिए 8 पोस्ट कार्ड। ओके, ये वाला रूम में और कुछ मिलेगा क्या मेरे को? कुछ तो मिलने का जैसा नहीं लग रहा है। ये वाला बॉक्स के अंदर क्या है? ओ, इसके अंदर कुछ तो है बट ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, सीधा अभी हम बाहर निकलते हैं। ये कैंडल तो यार अभी भी जल ही रहा है, इसका काम खत्म हो गया ये फिर भी जल रहा है। ठीक है चलिए, इधर एक आई बटन देख रहा है और अभी अपना डोर खोल चुका है। ओके, एक जा रहा है ऊपर की साइड और एक जा रहा है भाई नीचे की साइड। हम चले पहले चलते हैं ऊपर की साइड, थोड़ा देख के आते हैं उसके बाद हम नीचे जाएंगे। इधर से भाई ये डोर खुल रहा है क्या? नहीं यार, ये दोनों भाई 3 डोर लॉक है और ऊपर की साइड और एक रास्ता जा रहा है। इधर आई बटन आ रहा है। ठीक है चलिए, ये कहाँ मेरे को लेके जा रहा है? ओ शायद यार मेरे को लग रहा है ना ऊपर की साइड भी कोई रूम हो सकता है। और गाइज इधर अपने को एक बॉक्स दिखा है, ये बॉक्स में ओ भाई ये तो यार वही सिंबल था जो अपने को वो पेपर में मिला था। ठीक है ये दोनों अभी रहेगा नीचे की साइड, इसको चले नीचे की साइड करते हैं। और ये बॉक्स अभी खुल चुका है, अंदर अपने को ये क्या है? लुक्स लाइक ए मिस्ट्री की टू कलेक्ट। ओके चलिए इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये ना यार किसी टाइप का भाई की है जिसको हम बाद में शायद यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अपना बैकपैक में रख देता हूँ और अभी सीधा चले हम नीचे चलते हैं। सामने की तरफ ये वेंटिलेशन से अपने को लाइट आता हुआ दिख रहा है, मतलब गाइज अभी ना सुबह हुआ है। तो चलिए अभी हम जल्दी से नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई ये जगह कैसा अपने को दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो यार थोड़ा मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जगह तो जगह ही होता है बट ये ना अपना 19th century है तो थोड़ा देखने में तो मज़ा आएगा ही। तो चलिए ये वाला डोर तो भाई लॉक है। ओके इसका साइड में ये क्या है? इधर यार एक पोस्ट कार्ड। ठीक है ये सब खुल रहा है क्या इस साइड? नहीं ये ओके इधर यार किसी टाइप का अपने को एक सिंबल दिया गया है, मेरे को लग रहा है ना इसका भी कोई तो यूज होगा। तो चलिए अभी हम नीचे भी आ चुके हैं और गाइज इधर तो यार एक अंडरग्राउंड होम है भाई साहब। ये तो यार मेरे को भाई जो पुराने जमाने में जेल होते हैं ना उसका याद दिला रहा है। बाकी यार इधर अपने को एक स्क्रू ड्राइवर मिला है, इसका भी कोई ना कोई तो यूज जरूर होगा। तो यार ये डोर खुल रहा है क्या? नहीं इसको हम खोल सकते हैं शायद। ओके गाइज इसको अभी हमने खोल दिया है, तो चल खुल जा सिम सिम। अबे खुल जा भाई, अबे खुल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं यार ये खुल क्यों नहीं रहा है, इधर तो यार लॉक भी नहीं लगा था फिर भी गाइज ये डोर खुल ही नहीं रहा है। पता नहीं यार ये डोर को भाई किस बात का इतना घमंड है। ठीक है ओ खुल गया भाई, फाइनली इसको मैंने खोल दिया। और चलिए अभी यार इधर स्क्रू ड्राइवर का यूज होने वाला है। एक साइड का स्क्रू को तो मैंने खोल लिया, इस साइड भी चलिए खोल लेते हैं। उसके बाद नीचे का एक ठो चलिए इसको भी खोलते हैं और एक ठो भाई राइट की साइड, तो चलिए इसको भी हम जल्दी से खोल लेते हैं। अंदर की साइड अपने को क्या देखने को मिलने वाला है? ओ भाई ये चाबी, मैं सोच ही रहा था भाई ये चाबी का कोई ना कोई तो यूज होगा ही, मिला है तो भाई ऑब्वियसली यूज तो होगा ही, मैं भी क्या ही बातें कर रहा हूँ। ठीक है चलिए इसको अभी हम सेट करते हैं। कहाँ है अपना इन्वेंटरी? तो यार अपने को ना ये की को इन्वेंटरी के अंदर जाके ही लाना पड़ेगा। तो चलिए अपना ये की भी आ चुका है बट इसको भाई अपने को सही ढंग से भाई इधर सेट करके लगाना पड़ेगा। मैं तो यार सोच रहा था इसको मैं सीधा ले आऊँगा और ये बॉक्स खुल जाएगा। नहीं नहीं भाई इसको मेरे को थोड़ा सा साइज करके लगाना पड़ेगा। ठीक है ओके इस साइड अभी खुल जा, हाँ ये खुल गया है। और गाइस इधर ना अपने को जो फर्स्ट में सिंबल दिखा था ये सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके नीचे की साइड 1 उसके बाद ऊपर 2 3 नीचे 4 ऊपर 5 6 7 8 ओके गाइज अभी ना मेरे को इसका फंडा समझ में आ गया है। इधर जो नंबर दिया गया है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको जाके मेरे को वो सिंबल के नीचे नहीं उसका ठीक ऊपर में ही दबाना पड़ेगा जिससे कि भाई जो सामने की तरफ डोर था वो खुल जाएगा।
ठीक है चलिए इधर हम दबाते हैं सबसे पहले 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद ऊपर की साइड 4, इस साइड कोने में 5, इधर और एक बार कोने में 6, उसके बाद 7 8। तो चलिए अभी अपने को इधर चाबी भी मिल चुका है, बाकी चलिए हम सीधा डोर को खोलते हैं और इधर से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा तो भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, 70 सेंचुरी है, बट यार ये बिल्डिंग देखने के बाद तो यार मेरे को लग ही नहीं रहा है कि ये 70 सेंचुरी है, सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है, नहीं तो भाई ये ना पूरी तरीके से यार मॉडर्न ही लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर तो यार बहुत सारा घर है और यार इधर और एक कॉल आया है, ठीक है चलिए इसको हम रिसीव करते हैं। आई हैव एन इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर फॉर द बीकॉन रिसीवर टू वर्क यू नीड टू टर्न ऑन द सिग्नल एम्पलीफायर। ओके यार इसको पढ़ने के बाद तो यार मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गया है, मेरे को ना अभी चाहिए एक सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है चलिए सिग्नल एम्पलीफायर। ओके इस साइड यार मेरे को एक आई बटन आया था, ओ इधर यार एक चाबी है, आई पिक अप द की टू द गैरेज। अभी ना गाइस अपने को गैरेज का चाबी मिल गया है, मेरे को सिर्फ गैरेज ढूंढना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ना राइट में जो रूम है इनमें से ही कहीं पे तो यार गैरेज अपने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले 3 नंबर रूम को चेक करता हूँ और गाइज अपने को भाई फर्स्ट में ही गैरेज मिल चुका है। तो चलिए इधर क्या है भाई, ये क्या है लीवर, इसको अपने को खींचना पड़ेगा क्या, नहीं 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 इधर तो यार कुछ तो लगेगा जो अपने को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड भाई ड्रॉयर वगैरह में कुछ है क्या, ये खुल रहा है क्या, ओके ये तो खुल गया, इसके अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर नहीं यार बॉक्स तो नहीं खुल रहा है, दूसरी साइड भी कुछ ड्रॉयर वगैरह हैं, इनको भी चलिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। इधर ले भाई अपने को यार फिर से और एक पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड का भाई क्या ही यूज है मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया हूँ। ठीक है गाइज अभी चले हम ढूंढने चलते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बाद ही अपने को नेक्स्ट टास्क मिलने वाला है। तो चलिए पहले मैं ढूंढता हूँ एम्पलीफायर, उसके बाद अपने को क्या बोला जा रहा है वो करेंगे। इस साइड ना गाइज अपने को कोने में एक छोटा सा रास्ता दिखा है, तो चलिए इधर भी चलते हैं। और गाइज इधर तो यार एक घर है, ओ ये क्या है आई बटन, ओ भाई इधर तो यार कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ किया गया है, इस साइड में भी आई बटन, और भाई इधर तो यार 5 तो लीवर, बट इधर एक लीवर मिसिंग है, शायद गाइस जो गैरेज में लीवर था ना उसको भाई मेरे को लाके इधर लगाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। पीछे की साइड यार 2 में लाइट जल रहा है और 3 में ऑफ है, पता नहीं ये क्या ही अपने को सिग्नल दे रहा है। लेकिन गाइज मेरे को तो एक चीज़ समझ में आ गया है, मेरे को पहले जाके यार वो लीवर को ला के इधर ना लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे को भाई बाकी का काम समझ में आएगा। तो चलिए ये स्क्रू से हम ये लीवर को खोलते हैं, ठीक है अभी अपने को लीवर भी मिल चुका है, मेरे को सिर्फ जाके इसको उधर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ना मेरे को लग रहा है ना ये मतलब 5 जो लीवर थे उनमें से मेरे को 2 को नहीं तो भाई 3 को शायद डाउन करना पड़ेगा। ठीक है इसको मैंने लगा दिया, उसके बाद गाइस जो पीछे की साइड मतलब 2 लीवर का लाइट जला हुआ है ना मेरे को शायद इन्हीं में से किसी को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है चलिए इस साइड कोने को एक बार मैं थोड़ा ऑन करना पड़ेगा भाई, ऑफ तो नहीं ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको चले मैं ऑन कर देता हूँ, बीच की गलती से मेरे से ऑन हो गया, अबे नहीं यार फिर से चले मैं इसको करता हूँ, फर्स्ट वाला इसको मैं डाउन करता हूँ, उसके बाद ओके यह अभी गाइस स्टार्ट हो चुका है। बाकी यार जो पीछे की साइड लाइन वगैरह है ना इसका फंडा कोई मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा, पता नहीं यार ये क्या ही चीज है, ये तो यार अपने को मतलब किसी टाइप का जो वायर वगैरह होते हैं ना मेरे को लग रहा है उसी टाइप का ये कुछ है जिसको अपने को कनेक्शन करना पड़ेगा, बट कैसे करूँ कनेक्शन, ऊपर से अगर मैं नीचे तक कनेक्ट करूँ इसको, बीच में इसको चले करता हूँ, उसके बाद नीचे की साइड एक गाइज कुछ तो, ओ ऊपर का जो रेड बटन था ना भाई लेफ्ट में वो अभी यार वाइट हो चुका है, मतलब मेरे को जो राइट में रेड बटन है उसको भी इसी तरीके से वाइट करना पड़ेगा। ठीक है चलिए मैं ऊपर से कनेक्ट करके सीधा नीचे ये वायर को लाता हूँ तो अभी शायद ये रेड से वाइट हो सकता है। ओके इस साइड भाई इसको अभी मैं नीचे कैसे लाऊं, कोने से नहीं मेरे को एक साइड अगर मैं राइट से नीचे लाऊं, ठीक है
अभी इसको मेरे को ऊपर, ओके इस साइड, अभी इसको मेरे को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है अभी। ओके गाइज, फाइनली मैंने ये एम्पलीफायर को रनिंग कर लिया है। मेरे को सिर्फ ना अभी बीकॉन रिसीवर को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना काम खत्म। ठीक है चलिए अभी हम ढूंढने चलते हैं बीकॉन रिसीवर। ये बीकॉन रिसीवर भी कहाँ मिलेगा, ये भी थोड़ा यार सोचने वाली बात है। ठीक है चलिए अभी ढूंढने चलते हैं बीकॉन रिसीवर। ये तो भाई डोर बंद है। ओ सामने की तरफ यार अपने को एक छोटा सा रास्ता नजर आ रहा है जो कि दीवार के बीच से होके जाना पड़ेगा। ठीक है चलिए हम चलते हैं। बाकी यार दूसरी साइड वाला जगह भी देखने में तो बड़ा ही लग रहा है। मेरे को ना इधर सिर्फ यार एक प्रॉब्लम होने वाला है जो कि बीकॉन रिसीवर को ढूंढने में। इतना बड़ा जगह है, क्या पता भाई कहाँ अपने को बीकॉन रिसीवर मिलने वाला है। इधर यार ये क्या है, फिर से पोस्ट कार्ड। ठीक है चलिए इसको हम रख लेते हैं। अभी तक तो यार मेरे को वही पोस्ट कार्ड का यूज ही नहीं मिला है। पता नहीं यार ये पोस्ट कार्ड का क्या ही यूज है, मेरे को अभी तक समझ में ही नहीं आया है। ठीक है चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं और ढूंढते भाई बीकॉन रिसीवर कहाँ पे है। भाई ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सामने की तरफ अपने को बहुत सारा लॉकर वगैरह देख रहा है। इधर एक रूम है जो कि शायद लॉक है, और ये वाला भी तो भाई खुल ही नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है ना ये लॉकर में ही कुछ ना कुछ अपने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं जाके ये लॉकर वगैरह को ही चेक करता हूँ। ओ भाई ये बटन तो यार मैं भाई वो घर में देखा था। ठीक है मेरे को इसको नीचे की साइड, और गाइज अभी ये खुल चुका है। मेरे को लग रहा है यही शायद बीकॉन रिसीवर है। चलिए इसको मैं कलेक्ट करता हूँ और इसका काम क्या है मैं पता लगाता हूँ। आई फिगर्ड ऑफ ए बीकॉन डिवाइस। फाइनली गाइज अपने को बीकॉन रिसीवर मिल चुका है। तो चलिए इसको मैं सीधा लेके चलता हूँ गैरेज में, क्योंकि ना अपने को गैरेज में ना भाई एक या डायग्राम मिला था, उसके हिसाब से मेरे को शायद ये बीकॉन रिसीवर को सेट करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपना दुनिया में फिर से वापस जा सकता हूँ। वो डायग्राम कहाँ पे था, इधर। हाँ अपने को ये मिल चुका है। मेरे को ना इसको भाई 65 और एक तो भाई 35 मेरे को ना गाइस ये बीकॉन रिसीवर का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको भाई 65 पे सेट करना है और नीचे को 35 में सेट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपना दुनिया में फिर से वापस जा पाऊंगा। अबे ये क्या गलीज है, कोई नहीं चले इसको मैं फिर से खोलता हूँ। अबे ये फिर से ब्लैक नज़र आ रहा है, पता नहीं यार ये क्या ही ग्लीच हो रहा है भाई। बाहर जाके चले एक बार खोलता हूँ, और अब ये खुल चुका है। तो चलिए मैं पहले नीचे को 35 पे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर को अपने को सेट करना है 65 पे। ठीक है चल भाई सेट हो जा। भाई ये कांटा तो एक जगह पे रुक ही नहीं रहा है। हो हियर यू आर एट होम। भाई साहब फिनिश द गेम। फाइनली गाइज हमने ये गेम को कंप्लीट कर लिया है। लिटरली यार ये गेम को कंप्लीट करने के बाद ना इतनी खुशी भाई, 30 दिन के बाद फाइनली मैंने एक गेम खेला है। भाई कुछ रीजन के वजह से मैं ना एक भी वीडियो भाई एक महीने से अपलोड नहीं कर पाया था, बट आज से आपका भाई रेगुलर वीडियो अपलोड करेगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइज आपसे मिलता हूँ और किसी न्यू वीडियो के साथ।